नमस्कार, मेरा नाम सानवी आतोम है। मैं कक्षा 1D की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक पपेट शो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्यारा गांव था। उस गांव के पास ही एक घना जंगल था। उस घने जंगल में एक नदी बहती थी। उस नदी में एक कछुआ रहता था और पास ही मान में एक लोमड़ी रहती थी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। घंटों बैठकर बातें किया करते थे। एक दिन वो शाम को बातें कर रहे थे और तभी लोमड़ी को दूर से कुछ आता हुआ दिखा। लोमड़ी अपने कछुए दोस्त को बोली कि कछुए दोस्त, दूर से एक तेंदुआ आ रहा है, देखो। कहो, मुझे तो नहीं दिख रहा। ऊपर होके देखो, ऊपर होके एक तेंदुआ आ रहा है, तेंदुआ। को मुझे तो नहीं दिख रहा। तो फिर तभी वहां पर तेंदुआ पहुंच जाता है और बोलता है, आज मैं इस कछुए को खा जाऊंगा। तो लोमड़ी अपने दिमाग में सोचती है कि आज तो ये मेरे कछुए को खा जाएगा, मेरे कछुए दोस्त को। तो फिर वो एक तरकीब सोचती है कि तेंदुए भैया, आप ना इस कछुए को पानी में डाल दो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो ये शेल है ना, ये बहुत ही हार्ड है। आप इसको कितना भी खरोच लो, ये कि नहीं खा पाओगे। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और आप इसको आराम से खा पाओगे। बहन, क्या तो तुम ठीक रही हो? ठीक है, यह आसपास कहीं पानी है? हाँ तेंदुए भैया, पानी तो बहुत है। चलो मैं आपको ले चलती हूँ। ठीक है, तो तेंदुआ लोमड़ी के साथ चल पड़ता है और लोमड़ी बोलती है, ये देखो, ये रहा पानी। ठीक है, मैं कछुए को पानी में डाल देता हूँ। तेंदुआ ऐसे बोलता है और कछुए को पानी में डाल देता है और कछुआ जल्दी से तैरता हुआ दूर निकल जाता है और लोमड़ी भी अपने मान के पास वापस भाग जाती है और बेचारा तेंदुआ भूखा रह जाता है और अपने खाने की तलाश में चल पड़ता है दूसरे जंगल में। और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगता है। धन्यवाद।